हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली एसएससी सीजीएल 2019 टियर 1 का मार्क्स आउट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आप अपना मार्क्स देख सकते हो। और ये ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाके आप चेक कर सकते हो। एंड जैसा कि एसएससी सीजीएल का जो रिज़ल्ट है टियर 1 का, वो 1 जुलाई को डिक्लेयर किया गया था, जिसमें सिर्फ लिस्ट जारी किए गए थे जिसमें नाम दिया गया था सबका। एंड फाइनली अभी आपका जो है मार्क्स आउट कर दिया गया है। तो आपको कैसे चेक करना है, तो आप देख सकते हो ssc.nic.in पे जाओगे आप। ssc.nic.in पे आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड और यहाँ पे जो भी आपका जो आएगा यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स, वो आप फिल करके यहाँ लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद जो है आपका जो नेक्स्ट आएगा वो ये टैब ओपन होगा। यहाँ पे आपका नाम डिक्लेयर किया जाएगा, कौन से आप कैंडिडेट, आप जिस भी नाम से आपने लॉगिन किया है वो आपका है। और आपको क्या करना है, रिजल्ट एंड मार्क्स पे जाना है और वहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो टैब ओपन होगा वो ये टैब ओपन होगा और यहाँ पे आपका है, देख सकते हो आप, सिलेक्ट एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो है ये जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे सीजीएल का जो है टैब खुल के आएगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा होगा, वो सीजीएल को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट एग्जामिनेशन सीजीएल कीजिएगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो एक नया टैब ओपन होगा, वहाँ पे आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट डिक्लेयर रहेगा। जो भी मार्क्स आएगा वो रहेगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका नेम, मदर्स नेम जो भी है, आप जो फिल किया होगा आपने फॉर्म को, बस वैसे ही आपका ओपन होगा। और इसके जस्ट नीचे आपका एक टैब रहेगा जहाँ पे आपके मार्क्स डिक्लेयर रहेंगे, जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में कितने मार्क्स आए हैं, वो एक बॉक्स टाइप बना है उसमें आपको दिखाया गया है। एंड ड्रॉ मार्क्स के बारे में यहाँ पे बताया गया और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में आपको बताया गया है। तो आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स आपको मिले हैं या फिर आपके रॉ मार्क्स कितने हैं वो आप देख सकते हो। और आपने जो भी कैटेगरी वाइज बिलोंग, मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसके हिसाब से भी आपको रिलैक्सेशन बाद में दिया जाएगा। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद भी मार्क्स बहुत अच्छे दिए गए हैं, तो आप अपना रिजल्ट चेक करें एंड मार्क्स शेयर करें। तो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा रहा होगा। सो लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड लक।